वही कचरे से भरा ऐसा ही समस्या देखने को मिली गोरे गांव के भगत सिंह नगर में, जहाँ की नगर सेविका है प्रमिला शिंदे। यहाँ के लोग भी गंदगी से काफी परेशान हैं। उनका केवल यही कहना है कि यहाँ पर गंदगी साफ हो और कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए। लोग काफी परेशान हैं यहाँ की गंदगी से। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिरकार ये परेशानी किस वजह से हो रही है और इनको ये जो परेशानी हो रही है ये कब से हो रही है। कोई आते ही नहीं देखने वाले, खाली कचरा उठाते हैं ताबर तब लेके जाते हैं। टाइम से यहाँ पर रहते हो? अभी मेरे को 35 साल हुआ है। तो ये कभी साफ सफाई यहाँ पर होती है? होती है, कभी तभी होती है, नहीं तो पूरा ढीग लग के उधर। इसका कारण क्या लगता है आपको कि कौन यहाँ पर कचरा, यहाँ के रहवासी? रहवासी भी बीएमसी वाले कचरा उठाते जी। रहवासी डालते ना इधर, कहीं ना कहीं यही रहवासी जो उनकी गलती नजर आती है। अभी गलती तो इन लोग की चाहे ना, डालने को इन लोग को जगह ही नहीं ना। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे आप कि यहाँ पर जगह होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सफाई होना चाहिए ना, जगह होना था गंदगी ना होना, एक डब्बा होना चाहिए सबसे बड़ी बात ये। नहीं तो यहाँ पे वहाँ पे डालने की कोई किसका मतलब ही नहीं है। एक डब्बा रहेगा तो उसमें ही डालेगा सब। क्या आपको पता है कि यही गंदगी से हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं? होते हैं ना। लेकिन क्या करेंगे, किसको किसको बताएंगे, किसको किसको? छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे? अब छोटे छोटे बड़ी बड़ी माँ बोलती है बच्चों को जाके कचरा डाल, उनको क्या मालूम किधर डालना है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पे ओनली डब्बा होना चाहिए, कचरे का डब्बा होना चाहिए बस। हाँ भाई, एक डब्बा होगा तो वहाँ पे वो डब्बे में जा सकता है कचरा। उसमें क्या होता है कि सब रोड के ऊपर कचरा आता है, सब बच्चे लोग ऐसे लेके जाते हैं गंदगी पाव की, फिर बीमार होते हैं बच्चे लोग। ये बात है ना, तो सब कुछ करेगा वो, डब्बा डुब्बा लाएगा तो सब हो जाएगा ना। यहाँ पे समस्या ये है कि कचरा जमा करने के लिए कोई आदमी आता नहीं है और ना यहाँ की जगहों को कचरा झाड़ू वाड़ू मारता है, जिससे जो लोगों को मजबूरन कचरा यहाँ फेंकना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी कोई जगह नहीं। बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि 500 रुपया फाइन है यहाँ पर कचरा डालने पर, उसके बावजूद यहाँ के लोग जो है कचरा डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं? उसका वजह ये है कि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं है कचरा फेंकने का, कि भाई कोई दूसरी जगह को वहाँ फेंक देवे। बहुत से लोग जो है नाले की तरफ कचरा फेंकते जिनके घर नाले के करीब है, बाकी लोग जो है यहाँ आके कचरा फेंकते हैं। अगर कचरा लेने वाला रोजाना सुबह का घर घर आके कचरा लेके जाए तो यहाँ पे कचरा होगा नहीं। और हमने यहाँ के नगर सेवक से ये भी कहा कि जगह को साफ करके यहाँ पे होटला बना दे, ताकि यहाँ पे बूढ़े इंसान लोग बैठेंगे, कुर्सी वगैरह रख दे तो जगह साफ रहेंगी। तो उसने कहा कि इसके बारे में भी सोचा जाएगा और इसी वजह से उन्होंने आज सफाई भी की है। लेकिन मेन मसला ये है कि ये आज सफाई हो गई है लेकिन दोबारा फिर से गंदगी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ के रहने वालों को ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि कचरा कहाँ फेंके। दूसरा कचरा फेंकने के लिए उन बहुत दूर जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। और यहाँ पे अक्सर जो है घर की औरतें घर में होती है, कचरा बच्चे आके फेंकते, इसलिए यहाँ पे गंदगी होती है। तो आपकी क्या मांग रही है, अगर प्रशासन देख रही है हमें तो आप क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे जो है एक से दो आदमी रोजाना हर गली में जाके कचरा जमा करे। ये यहाँ पे 800 के करीब घर है, 800 घरों के अंदर अगर 400-400 घर को अगर दो आदमी ले लेते हैं, बांट लेते हैं, तो 3 घंटे के अंदर ये एरिया का कचरा जमा करके वो लोग मेन ठिकाने पे फेंक सकते हैं, जो कि आगे एक बड़ी कचरा गुंडी है जहाँ पे रोजाना रात में गाड़ी आके लेके जाती है। अगर वो लोग इस तरह से आदमी बढ़ाए यहाँ पे सफाई वाले, तो यहाँ कचरा नहीं हो। लेडीज बाथरूम में इतनी गंदगी है, यहाँ का नगर सेवक भी कुछ काम नहीं करता है, और फिर किसको बोलने जाए, ना कचरे वाला कोई आता है ना कोई झाड़ू मारने वाला। समय से आपको ये तकलीफ है? हम लोगों को तो शुरू से ही तकलीफ है, कम से कम 8-10 साल से ज्यादा ही हो गया होगा। तो अगर आप अभी टीवी पे अगर आपको लोग देख रहे होंगे तो क्या मैसेज पूछना चाहेंगे, क्या आपकी? यही कि यहाँ पे जो ये गंदगी है बस इसी को साफ करें। यहाँ पे जितना ये यहाँ बच्चे इतने छोटे छोटे कितने बीमार पड़ते हैं ये गंदगी के अलावा और कोई समस्या है? और क्या, गटर की प्रॉब्लम है, गटर जाके देख दिन में आओ तो मैं दिखाऊँ भी गटर कितनी भरी हुई रहती है। सब आते हैं, खाली पैसे लेके जाते हैं, 15 रुपए दे दो महीने के महीने, नहीं दो तो झगड़े करो। हर किसी से मेरा तो झगड़ा ही होता है इसी बात पे। लोग काफी परेशान है यहाँ के गटर नाले और गंदगी से, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना ये है कि यहाँ पर कभी सफाई होती ही नहीं है, नगर सेवक जीत चुके हैं फिर भी यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार यहाँ के नगर सेवक और यहाँ प्रशासन इस पर कितने जल्द काम करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाती है। कैमरामैन तुषार के साथ मैं अकबर शाह, कलकत्ता 24 न्यूज़।